लखनऊ से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है, राजकीय निर्माण निगम के ठेकों में आरक्षण का प्रावधान होगा। जल्द ही ठेकेदारों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। ठेकेदारी में सभी वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए ये प्रावधान जो है वो किया जाएगा। ठेकों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा एक तरीके से। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है, राजकीय निर्माण निगम ने के ठेकों में अब आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। जल्द ही ठेकेदारों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर लिया जाएगा। ठेकेदारी में सभी वर्गों के लिए या सभी वर्गों के लोगों के को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए तैयारी जो है वो सरकार ने कर ली है। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गगन, अब आरक्षण की तैयारी प्रावधान जो है वो किया जाना है कि ठेकेदारों को लेकर, क्योंकि कह सकते हैं कि ठेके शायद उस वर्ग में नहीं मिल रहे थे जिन वर्ग को प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए, शायद यही वजह इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए श्वेता, ये पहली बार ऐसे तो नहीं है, क्योंकि 2009 में भी एक बार मायावती दलितों के लिए एक प्रावधान ला चुकी हैं कि उनको 23% का ठेकेदारी में जो आरक्षण होता है वो मिल सकेगा। लेकिन अब क्योंकि पूरी तरह से प्रस्ताव बन नहीं सका था, इसी के चलते अब केशव मौर्य ने ये ऐलान कर दिया है। दिसंबर में ही उन्होंने कहा था कि ऐसा प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं, लेकिन अब औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है। अधिकारियों से कह दिया है कि आप एक ऐसा प्रस्ताव बनाइए जिसमें 40 लाख तक के जितने भी ठेके होंगे उसमें चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हों, ओबीसी हों और सामान्य वर्ग के हों, उनके लिए अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि उनको इस कैटेगराइज में उनको प्रमोशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, जिससे जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको जो अभी तक ठेकेदारी में सहभागिता नहीं मिल पा रही थी वो उनको मिल सके। इसी के चलते पीडब्ल्यूडी में जो भी जितने भी ठेके होंगे 40 लाख तक, उनको आरक्षण मिलेगा। सिर्फ 40 लाख तक के लिए ही जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि इसके ऊपर भी जो ठेके होंगे उसके लिए भी ये प्रावधान होगा? गगन, देखिए श्वेता, जितने भी पीडब्ल्यूडी शेष निगम और जो निर्माण राष्ट्रीय निर्माण निगम के 40 लाख के जो ठेके होंगे, सिर्फ उन्हीं में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिलेगा। अगर हम बताना चाहें तो, क्योंकि 21% अनुसूचित जाति को मिलेगा, अनुसूचित जनजाति को 2%, वही ओबीसी की बात करें तो 27% उन लोग को जो आरक्षण की बात कही जा रही है वो मिलने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए केशव मौर्य ने और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द आप प्रस्ताव बनाइए इसको, जिससे इसको लागू कर दिया जाए। लेकिन श्रोता, जिस तरह से अगर बात की जाए मायावती की सरकार में, तो मायावती की सरकार में भी 2009 में इसी तरह से कैबिनेट में पास किया गया था कि 23% जो आरक्षण है उसमें 21% अनुसूचित जाति और 2% अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया था। लेकिन उस समय किसी प्रकार की लिमिट नहीं थी कि 40 लाख के जितने ठेका होगा उसमें, लेकिन इस बार केशव मौर्य ने जो प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर है कि 40 लाख के जितने ठेके होंगे, यानी कि जो छोटे मध्य ठेकेदार होते हैं, जो दलित वर्ग के होते हैं, ओबीसी वर्ग के होते हैं, उनकी सहभागिता नहीं हो पाती है, इसी की चलते फैसला लिया गया है। माना जा रहा है जल्द से जल्द अधिकारी इंतजार करते हैं कि प्रस्ताव कब तक बनकर तैयार होगा, क्योंकि अब खुद डिप्टी सीएम जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है, अब इंतजार प्रस्ताव का। बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी के लिए।